भाई अपना सामान ले जाए एक बारी, ठीक है? कुत्ता बिल्ली से मटका कर, ठीक है? कुछ काम पड़ जाए ना बता दीजिए। सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश करना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। डीएसटी पुलिस की सूचना पर जिले की शादुल शहर पुलिस ने एक ईंट भट्टे से एक यूपी निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। इस युवक के कब्जे से 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी निवासी यह युवक शादुल शहर के पास एक गांव में ईंट भट्टे पर काम करता है। यह युवक व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से हथियार लेने वाले लोगों को पिस्तौल और कारतूस की जानकारी देता था और उसके बाद पसंद आने पर डिलीवरी दी जाती थी। ये देख भाई तेरा सामान ओके है, ठीक है? भाई अपना सामान ले जाए एक बारी, ठीक है? कुत्ता बिल्ली से मटका कर, ठीक है? कोई काम पड़ जाए ना बता दिए। डाबाली सिंगरिया और इधर मलोट लोट में, ठीक है? हनुमानगढ़ ना, इतना पीतल जाओगी, ठीक है? भाई तेरा सामान है ये, हाँ कट्टा भी पड़ा है, ठीक है? जब दिल करे तब ले जा भाई, तेरा आएगा ये। ये देख 315 भूपेंद्र, 315। सूत्रों के मुताबिक यह युवक पहले शिमला में काम करता था और वहीं किसी गैंग के संपर्क में आया। इस युवक के तार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। शादुल शहर पुलिस थाना के SHO ने बताया कि पुलिस को देखकर आरोपी युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और इस युवक के कब्जे से 315 बोर के 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हम कल गश्त पे थे, जब हम भक्त सिंह चौक पर पहुंचे तो वहां सूचना मिली कि कोई व्यक्ति खींचड़ा वाली डाणी की तरफ जा रहा है, जो कैंचिया के पास खड़ा है, जिसके पास ये कोई कारतूस वगैरह हथियार वगैरह हो सकते हैं। जिस पर हम मुलाजमान के वहां पहुंचे तो वहां पर एक व्यक्ति मिला जिसकी हमने तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके पास 9 कारतूस 315 बोर के मिले। तो इसने अपने सोशल मीडिया पर भी डाल रखे हैं काफी वीडियो हथियारों के साथ जी। वो अभी उसकी जांच कर रहे हैं, पूछताछ जारी है। और कहाँ का निवासी है जी? ये एलवा गांव है, थाना भोगाव, जिला मैनपुरी, यूपी का रहने वाला, हाल KBC भट्टा खींचड़ा वाली डाणी रोई के पास ये ईंटें निकालने के काम करते हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी युवक के पास से एक पिस्तौल होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक का रिमांड लेकर मुख्य सरगना के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।